स्वागत बा आप सभी के न्यूज 9 में। और हम भोजपुरी ये खातिर बोलता नहीं कि हम अभी मौजूद बानी बिहार के कैमूर जिला में, और कैमूर भोजपुरी के गढ़ कहल जाला। हमी साथ मौजूद बानी भोजपुरी जगत के उभरते हुए कलाकार सोनू सिंह जी। अब हम अपना भाषा में बात करम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे तरफ से भी बहुत बहुत प्रणाम न्यूज 9 देखे वाला सभी दर्शक लोग के, आपके दिल से स्वागत बटे कि रुआ हमनी के बीच बैठ करके आज कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। भोजपुरी जगत जिस तरीके से अश्लीलता में लिप्त होते जा रहा है, उसमें आप अच्छा गाना गाते हैं। भोजपुरी अश्लीलता से कहीं ना कहीं दूर हैं आप, जिस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भोजपुरी अश्लीलता की जब बात होती है तो मैं एक कहना चाहूँगा आशीव भैया कि भोजपुरी अश्लील नहीं है। भोजपुरी के कुछ कंटेंट अश्लील हो सकते हैं, क्योंकि भोजपुरी एक भाषा है और आपको पता है कि भोजपुरी में हमनी के बोली नहीं जा, भोजपुरी में अपन एगो कम्युनिकेशन बाटे। तो हमनी के कम्युनिकेशन चाहे कोनो लैंग्वेज हो के, चाहे बंगाली हो के, भोजपुरी हो के, पंजाबी हो के, तो कोनो भाषा अश्लील ना होला। वो भाषा में कुछ ऐसा काम करे वाला लोग बा जौन कुछ ऐसा कंटेंट बना देवेला जौना के चलते वो चीज के कहो कि हाँ ये फलाना कंटेंट अश्लील बा। पूरा भोजपुरी अश्लील नहीं हो सकता। जैसे कि पहले निर्गुण लोग सुनना पसंद करते थे भोजपुरी में, और रफ एंड टफ गाना है, जातिवाद से लेकर किसी के माँ बहन तक पर गाना गाने से परहेज नहीं कर रहे हैं कलाकार। ये गलत है, इसका कहीं ना कहीं कलाकार के कलाकार में भी कमी बा, और साथ ही साथ उस तरीका के सुने वाला लोग में भी कमी बा। तो हमनी के कहल जाला ना कि अगर कोनो चीज के बढ़ावा होता थे तो ओकरा में कहीं ना कहीं दोषी दोनों तरफ के लोग बा। लेकिन हम आरुआ आज बैठल बने जा वार्तालाप करते हैं तो एक रास्ता का बाटे अगर हमनी के बात कर जाओ कि आखिर ठीक बा, हमनी के दोष देला के बाद आखिर का ऐसा रास्ता निकालल जाओ जना से कि भोजपुरी में अश्लीलता पर जो प्रश्न चिन्ह उठाता वो कैसे रुकी। तो हमारा समझ से अगर एक ही रास्ता बा कि हम और रुआ जो सकारात्मक सोच के साथ न्यूज 9 के साथ में बनी जाए, या हमनी के अपन जो काम करते रह जाए, तो हमनी के जो अच्छा काम करे के विचार बा ओके कंटिन्यू करे के जरूरत बाटे। अभी आपका एक गणेश जी पे गाना रिलीज हुआ है, लगातार ट्रेंड भी कर रहा है, चाहेंगे कि दर्शकों को दो लाइन सुनाएं आप? एकदम। देखिए, बहुत खुशी होती है कि जब दर्शक अच्छी चीजों को सुनते हैं और उसको गुनने के साथ साथ उसको लोगों के बीच में फैलाते हैं। तो हमारे वो गीत गणेश जी के भजन हम गोले बानी, बड़ा ही प्यारा गणेश जी के भजन बाटे, दो लाइन अपने न्यूज 9 के देखे वाला दर्शक लोग खातिर समर्पित करता नहीं गीत। हर सृष्टि के आधार बनवले ब्रह्मा विष्णु महेश जी, बाकी सफल बनवले आके गौरी पुत्री गणेश जी। आज दिल से बाराउर अभिनंदन जी, आज दिल से बाराउर अभिनंदन जी, मेरे घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो गजानन जी। ये गाना में अंतरा जन बाटे बहुत ही मार्मिक बा और सोचे वाला चीज बा, बड़ा सुंदर भाव बा, बहुत अच्छा लगा सुन के आपका। एक अंतरा हम आपको सुनाना चाहेंगे शिव जी भैया, चूंकि आपके दर्शक सुने तो विचार करें, बड़ा सुंदर भाव बा कि भैले परीक्षा रहे बुधिया विवेक के, तीन फेरा लौनी रउआ गौरी महादेव के, माता पिता से बढ़ के नाही धरती आसमान बा, ऋषि मुनि भी कहले बाड़े उनके से समान बा, अकोटि कोटि करेला सब बंदन जी, मेरे घर में पधारो गजानन जी। हम चाहेंगे कि और कोई जो गाना हो जो हमारे दर्शक को पसंद है आप सुनाएं। गाना बहुत सारे हैं सामाजिक कुरीतियों पे अगर कहा जाए, एक हमारा गाना है जो कि हम जब पटना में, हालांकि पटना में हम रहते हैं, बहुत सारे लोक मंच पे गाने को हमको मौका मिलता है, तो एक मोटिवेशनल सॉन्ग हम आपको चाहेंगे अपने दर्शकों को सुनाने के लिए। एक गाना है कि हमको खुद से बदलना होगा तभी भोजपुरी समाज हो या समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को हम लोग अपने काम से कुचल सकते हैं और अपना एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। हो आ
गंगा की कसम यमुना की कसम ये ताना बाना बदलेगा, गंगा की कसम यमुना की कसम ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल तू खुद को बदल फिर तो ये जमाना बदलेगा। रावी की रवानी बदलेगी सतलज का मुहाना बदलेगा, गर शौक में तेरे जोश रहा तकदीर का दाना बदलेगा। गंगा की कसम यमुना की कसम ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल तू खुद को बदल फिर तो ये जमाना बदलेगा। बहुत अच्छा लगा आपका सॉन्ग। और बात करेंगे हम भोजपुरी पर, आपका सॉन्ग सुन चुके हम लोग। भोजपुरी जगत में जिस तरीके से सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हैं उनके बेटी पर ही गाना निकाल दिया गया। देखिए हम तो इसका सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी की भी बेटी हो उस बाप को बुरा लगेगा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों गाया गया। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई थी, चाहे वो कोई भी किया हो, पार्टिकुलर व्यक्ति का हम लोग नाम नहीं लेंगे। तो कहा जाता है कि आप जैसा बोइएगा एक ना एक दिन उसको काटना पड़ेगा। तो आज एक शुरुआत खेसारी जी भी बहुत सारे लड़कियों का नाम लेकर के गाना गाए थे, आज भी कुछ दिन पहले गाए फलनवा के बेटी सपनवा में आती है, बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है। लेकिन कहा जाता है ना जब अपने पे पड़ता है तो लोगों को समझ में आता है कि सम्मान क्या चीज है। जिस तरीके के भोजपुरी में गाना अश्लीलता लगातार आ रहा है कि ठोड़ी छेल दो तो 10 रुपया दे के मीस दो, 20 रुपया दे के किस लो, इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये सब चीज बुरा है, ये इन सब चीजों को जब हम और आप या सुनने वाले दर्शक जब बढ़ावा देंगे तो ये कंटिन्यूटी ये रुकने वाला नहीं है। और रही बात अश्लीलता की, तो अश्लीलता एकदम से खत्म नहीं हो सकता है। गीत संगीत एक ऐसा चीज है जिसमें इंटरटेनमेंट जरूरी है, मिर्च मसाला जरूरी है, लेकिन आज के समय में लोग सुपरस्टार और पैसे के होड़ में इतना ज्यादा गंध मचा दिए हैं कि उनको ये नहीं पता है कि हम आज जो गा रहे हैं उसका आने वाला भविष्य क्या होगा। आपके सामने उदाहरण है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे लड़के हैं जो संगीत की तालीम नहीं ले रहे हैं, उनको पता है कि हम अगर ढोड़ी छील लगा देंगे, उंगली घुसा देंगे, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम खुद नहीं पसंद करते हैं बोलना, तो उनको लगता है कि हम संगीत नहीं सीखेंगे, शब्द सिर्फ गा देंगे तो हम सुपरस्टार बन जाएंगे। लेकिन संगीत में शॉर्टकट नहीं चलता है, संगीत आपको सीखना। आखिर भोजपुरी जगत में ही अश्लीलता लगातार क्यों फैल रही है? देखिए अश्लीलता सिर्फ भोजपुरी में नहीं है, अगर विषय पे हम लोग बात करें तो अश्लीलता बॉलीवुड के भी बहुत सारे ऐसे गाने थे जो चोली के पीछे क्या है, बहुत सारे ऐसे गाने हैं तो उनके भी, लेकिन उससे पूरा बॉलीवुड जो है अश्लील नहीं बन गया। हमारे भोजपुरी में सबसे बड़ी कमी यह है कि यहाँ पे जो गीत संगीत गाने वाले लोग हैं बहुत अनपढ़ कलाकार लोग आ गए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि हम रातों रात स्टार बन जाएंगे, और ये जो सोच है ना हमारे भोजपुरी को कहीं ना कहीं पीछे ढकेल रही है गीत संगीत के मामला में। भोजपुरी अश्लील नहीं हो सकता है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश ये देना चाहेंगे कि आज हम और हमारे साथ शिव भैया बैठे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, और जो इस बात का एक कहते हैं निष्कर्ष, तो हम लोग यही कहेंगे कि हमारे जितने भी दर्शक हैं जो हम लोग को देख रहे हैं, कम से कम जो अच्छा चीज है, देखिए अच्छा और बुरा का जो पैमाना होता है, अगर हम बुरे चीजों को ज्यादा सुनेंगे तो स्वाभाविक सी बात है अच्छाई दब जाएगी। अगर इनको बुरे चीजों को हटाना है तो हम अगर अच्छा गाते हैं, हमारे अलावा जो भी सिंगर अकोर को अच्छा काम किया है, अच्छा गाना गाया है, तो उसको सुनिए, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में बढ़ाइए, बुराई अपने आप दब जाएगी। एक लास्ट सवाल कि आप हमारे दर्शकों को एक लास्ट संगीत के साथ इस इंटरव्यू को हम लोग समापन करेंगे। जी एक बड़ा ही सुंदर गीत आप लोग के बीच में हम एक माँ के लिए समर्पित करेंगे, जो हम सब लोग कहीं ना कहीं एक माँ का ही आशीर्वाद है, तो हम आप यहाँ पे बैठ करके बात कर रहे हैं। एक बड़ा सुंदर भाव एक बलिया जिला के हमारे गीतकार हैं वो लिखे थे, और इस गीत को हम कई मंचों पे गाते हैं। अरे हजारो गम में रहे ले माई, तबो ना कुछ वो कहे ले माई, हजारो गम में रहे ले माई, तबो ना कुछ वो कहे ले माई,
हमार बबुआ फले फुलाए, हमार बबुआ फले फुलाए, इहे तो मंतर पढ़े ले माई, हजारो गम में रहे ले माई, तबो ना कुछ वो कहे ले माई। तो अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी कलाकार सोनू सिंह जी को अपने कैमरा पर्सन बबलू कुमार के साथ, न्यूज 9 नेटवर्क के लिए शिव कुमार ओझा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।